दही और थोड़े से मसाले का इस्तेमाल करके आज हम एकदम यूनिक और अलग रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दही और मसाले का इस्तेमाल करके आज हम एकदम यूनिक और स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस यूनिक रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे इन छोटे छोटे आलू को। मैंने इन छोटे छोटे आलू को 500 ग्राम लिए हैं, इनको मैंने पहले ही बॉयल कर दिए हैं आलू को। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे बॉयल कर देंगे। बॉयल कर देने के बाद इसके सारे छिलके उतार देंगे। अब इस तरीके से हम फोक लेंगे या फिर कोई टूथपिन लेंगे, इस तरीके से हम आलू में होल कर देंगे। आलू को एकदम तोड़ना नहीं है, सिर्फ हमें होल ही करना है। ध्यान से आप लोग कीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि फोक से होल करते करते आलू को ही तोड़ दे। हमें आलू को तोड़ना नहीं है, बस इसमें होल करने हैं इस तरीके से। ये रेसिपी इतना स्पेशल होने वाली है, बच्चों के टिफिन में देंगे तो बच्चे का टिफिन हमेशा खाली ही आएगा, कभी टिफिन वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके से बच्चे के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं इस रेसिपी को। और बच्चे तो आलू बहुत खाना पसंद करते हैं, तो आलू के ऐसे रेसिपी मिल जाए तो बच्चे तो और भी ज़्यादा खाएंगे। तो मैंने सारे आलू में होल कर दिए हैं। अब हम चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने 400 ग्राम दही लिया है, ये गाढ़ा दही है। अगर आपका दही पतला होगा तो थोड़ा सा कपड़े से उसे छान देना। उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। ये रेसिपी इतना स्पेशल बनने वाली है, इसे हर कोई खा सकता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए, बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी लगती है। 1 चम्मच डालेंगे नमक। अब इन सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स। हमें मिक्स कर देना है अच्छे से, ताकि दही में कोई बड़े बड़े टुकड़े ना रहे। दही को अच्छे से मिक्स कर देने हैं मसाले के साथ में, ताकि मसाले अच्छे से दही में मिक्स हो जाए। तो ये रेसिपी इतना टेस्टी लगता है, मैंने पहली बार जब अपने घर पे बनाया था ना, तो सब लोग इतना अच्छे से खा रहे थे, बोल रहे थे कि अब बार बार आलू का यही रेसिपी बनाना। तो देखिए मिक्स हो गया, मिक्स हो जाने के बाद इस तरीके से क्रीम के जैसा हो जाता है। अब हम चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। तो गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी या फिर ऑयल। घी या ऑयल डालकर अच्छे से इसको गर्म हो जाने देंगे। गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें आलू डालकर हाई फ्लेम पर आलू को तब तक इसे सौंधे करने हैं जब तक इस पर एकदम रेड स्पॉट ना आ जाए, तब तक इस पर वो रोस्ट करना है। हल्का हल्का रेड परत चढ़ जाएगा आलू पर, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको उतार देंगे। तो इसे थोड़ा सा हमें इसे तेल में या फिर घी में रोस्ट करना है, ताकि ये हल्का ब्राउन हो जाए। हाई फ्लेम पर इसे रोस्ट करना है। ये रेसिपी इतनी अच्छी लगती है ना, इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर आप जीरा राइस के साथ खा सकते हैं। सबके लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन आ गया ना कलर आलू पर, तो ये आलू पर इसी तरीके से कलर आ जाता है, तो एकदम खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये रेसिपी। और ये इतनी टेस्टी लगती है ना ये छोटे छोटे आलू को। उसके बाद क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। बंद करके क्या करेंगे, दही डाल देंगे उस आलू में। गैस याद रखिएगा, गैस हमने बंद किया हुआ है, गैस को बंद करके दही डाल देंगे। जो हमने मसाले वाले दही बनाए थे वो मसाले वाले दही इसमें डाल देंगे। उसके बाद जितना दही लिए थे उससे आधा क्या करेंगे, यानी 400 ग्राम हमने दही लिया था, तो 200 ग्राम पानी लेंगे, अब इसमें डाल देंगे हम। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देना है, बहुत ही इसका खुशबू इतना अच्छा आ रहा है अभी अभी बनने के बाद, ये कितना अच्छा लगता है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। ऊपर से डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। गरम मसाला पाउडर डालकर इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। उसके बाद गैस को ऑन कर देंगे, गैस को ऑन कर देंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि आलू भी पके हुए हैं, बस थोड़े से मसाले को ही पकाना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो ये आलू की सब्जी इतनी मस्त लगती है ना, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। छोटे छोटे मार्केट में आलू आराम से मिल जाते हैं। अब इसे ढक देंगे हम, ढक कर करीब 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमारे आलू की सब्जी बन के रेडी हो जाती है। उसके बाद ढक कर हम इसे साइड में रख देंगे। अब चलिए इसमें बहुत ही टेस्टी तड़का लगाते हैं। तो एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल या फिर घी, उसमें डालेंगे सरसों या फिर राई, और आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ। लगभग 2 पिंच जितना मेथी इसमें डाल देंगे, 2 पिंच जितना मेथी, मेथी ज़्यादा नहीं डालना है, मेथी थोड़ा तीखा होता है इसलिए हम 2 पिंच डालेंगे। 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा,
अभी इन सब को अच्छे से क्या करेंगे, चटकने देंगे। और 2 पिंच ही हमें इसमें हींग डालना है, हींग जरूर डालिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हींग से। अब इन सबको हल्का लो फ्लेम पर इसे चटकने देंगे, जब तक इसमें का सरसों नहीं चटक जाता तब तक इसको हमें गैस पर रखना है। जब तक ये चटकने लगेगा उसके बाद हम ले जाकर सब्जी में तड़का लगा देंगे। हमने तो इसे घी से तड़का लगाया है, आप चाहे तो इसे तेल से भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से इस सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप चाहो तो तेल से भी लगा सकते हो तड़का, लेकिन घी के साथ इसका तड़का गजब का जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए अब ये तड़का तैयार हो गया है, तड़कने के लिए तड़क चुका है। देखिए सरसों तड़क रहा है ना, तब उसके ऊपर से डालेंगे 4 लाल मिर्च, लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च है खड़ा भी, सबको मिक्स करेंगे। अब चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो अब आलू वाली सब्जी गैस पर रखेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अब ऊपर से हम तड़का लगा देंगे और ढक कर रख देंगे करीब इसे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे तो इतना अच्छा खुशबू आएगा और इसका खुशबू से ही पता चल जाएगा कि सब्जी कैसा बना है, इतनी अच्छी लगती है ना। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, इन छोटे छोटे आलू की सब्जी को बहुत ही टेस्टी लगती है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, ढक्कन हटाएंगे, ऊपर से कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे रोस्ट करके। कसूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पर गर्म करके इसको डाल देंगे। तो ये देखिए आलू की हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। इस तरीके के आप बच्चों के टिफिन में बना कर देंगे तो बच्चे एकदम प्लेट चाट चाट कर खाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे, धनिया पत्ता हो तो डालिएगा, नहीं हो तो पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन धनिया पत्ता से भी टेस्ट बढ़ जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। देखिए मैं तो बनाते बनाते ही इसे थोड़ा टेस्ट कर रही थी कैसा लग रहा है, क्योंकि खुशबू से ही पता चल रहा था कि कैसा लग रहा है। तो चलिए अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसे सर्विंग बाउल में हम निकाल रहे हैं, लेकिन इतना खुशबू इसका अच्छा आ रहा है, मन कर रहा है कि अभी जाकर खा लें, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। तो इन छोटे छोटे आलू को ना आप लोग इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं दही के साथ और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर जीरा राइस के साथ, या फिर आप राइस के साथ ऐसे ही भी खा सकते हैं, या फिर आप नान के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये रोटी के साथ बहुत मस्त लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने तो इसे रोटी के साथ खाया है, आप लोग भी जाओ बनाओ इस तरीके से, हेल्दी खाना खाओ। और मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस यूनिक सी रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है, घर के बड़ों हो या बच्चों सबको बहुत ही पसंद आती है। मेरे घर में तो ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, स्पेशली इन छोटे छोटे आलू की रेसिपी, इन छोटे छोटे आलू की जो सब्जी बनती है ना गजब की लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करना और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग भी जाओ बनाओ खाओ एंजॉय करो।